नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये सरसों का साग लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप पराठे के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम इसको ऐसे साफ कर लेंगे। ये जो है, ये मोटे मोटे वाले जो पीस है डंठल, इसको हम निकाल लेंगे और इसको एक साइड रख लेंगे। इसी तरह से हमको सारे करने हैं। इसको हम पहले साफ कर लेंगे इस तरह से। ये भी सॉफ्ट होते हैं लेकिन मैं इसको निकाल दूंगी, मैं केवल पत्ते पत्ते लूंगी इस तरह से। ये जो पीले पत्ते हैं और खराब पत्ते हैं इसको हम निकाल देंगे, और जो अच्छे पत्ते हैं उसको हम ले लेंगे। इस तरह से पूरा साफ कर लेंगे। फिर इसको हम रनिंग वाटर यानी चलते हुए पानी में, नल में सीधा हम इसको वाश कर लेंगे, इसको धो लेंगे खूब अच्छी तरह से। इसको खूब अच्छी तरह से धोना है ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। बहुत अच्छे से रनिंग वाटर में चलते हुए पानी में इसको धोना है। फिर इसको धो करके हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। इस तरह से लेकर के इसको हमको कट करना है। इस तरह से हम छोटे छोटे पीसों में इसको कट कर लेंगे। पूरे सरसों के साग को हम फ्रेंड्स कट कर लेंगे। आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। इसी में मैं ये चार पांच हरी मिर्च भी काट के डाल दूंगी। ये कट हो गया फ्रेंड्स। अब इसको हम कुकर में डाल करके गैस पे चढ़ा देंगे 5 से 6 सीटी लगाने के लिए। उससे पहले आप देख लीजिए, ये मैंने 1/4 हिस्सा दाल ले ली है, मसूर की दाल है। इसको धो करके साफ करके रख लेंगे। इसको भी हम डालेंगे। ये सबसे पहले कुकर ले लेंगे और इसमें मैं इस गिलास से 2 गिलास पानी डालूँगी। ये 1 गिलास हो गया और ये दूसरा गिलास का पानी डाल दिया। अब इसमें हम धुली हुई दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और 2 चुटकी हींग डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसके बाद हम सरसों के कटे हुए साग को इसमें हम डाल देंगे। देखिए, सारे सरसों के काटे हुए साग को मैंने डाल दिया है। अब इसको हम बंद करके गैस फ्लेम पे चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, पहले हम इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे इसको हम रख देंगे, और जब 1 सीटी आ जाएगी तो हम इसको एकदम मीडियम कर देंगे, एकदम लो कर देंगे, और फिर 5 से 6 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। अब इसको हम कम कर देंगे एकदम लो फ्लेम पे, और इसको 4 से 5 सीटी आने देंगे। ये सॉफ्ट हो गया है। अब ये हमारी साग, सरसों का साग तैयार है। अब इसको हम छौंक लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये लहसुन छोटे छोटे 5 से 6 कलियां काट ली हैं, और ये 2 बड़े लाल मिर्च है, और 2 चुटकी हींग का छौंक लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और इसको मैं गरम होने दूंगी। फ्रेंड्स, जब तक ये सरसों का तेल गरम नहीं होता उससे पहले हमें छौंक नहीं लगानी चाहिए, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए हम पहले इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। ज़्यादा हीट नहीं करना है लेकिन थोड़ा हीट हो जाना चाहिए।
तेल गरम हो गया। अब इसमें मैं सबसे पहले लहसुन कटे हुए लहसुन डालूंगी, फिर रेड चिल्ली, इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, फिर इसमें मैं ये दो चुटकी हींग डालूंगी। अब इसमें हम ये साग ऐड कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स ये सरसों का साग तैयार है। इसको हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे पका लेंगे, ये हमने छौंक लगा दी है। इसको हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे थोड़ा 5 मिनट पकने देंगे, फिर गैस ऑफ करके इसको सर्व कर लेंगे। सरसों का साग तैयार है, आप इसे सर्व कीजिए बाजरे की रोटी के साथ या मक्की की रोटी के साथ या फिर सिंपल रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ भी साग खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी मेथड है, आसानी से बन जाएगा। और मुझे टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर टेस्ट कीजिएगा। अब मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी, उसके लिए क्या करना है, ये मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच मैं गेहूं का आटा ऐड कर दूंगी ताकि बाइंडिंग के लिए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी। तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसको हल्का गरम पानी से मैं आटा गूंथ लूंगी, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जितना आप सह सकते हो। और फिर इसका हम अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथेंगे, अच्छे से आटा गूंथना है हमें, तभी अच्छे से रोटी बनेगी सॉफ्ट। तो इसको हम गूंथ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम बाजरे की रोटी बना लेते हैं। ये मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो रहा है। अब हम लोई बना लेंगे, थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसकी लोई बना के और रोटी बेलेंगे। अब इसको हम हल्के हाथ से उठाएंगे इस तरह से और हम तवे पे डाल लेंगे इस तरह से। ये मैंने दूसरी बेल ली है और ये जो पहली वाली है ये पक रही है, इसको मैं पलट लूँगी। ये देखिए अब इस पर थोड़ा नीचे का सिक जाएगा तो इसके ऊपर यही लगा करके इसको सेकेंगे। देखिए ये सीख गया है, अब इस पर हम घी लगा देंगे, दोनों साइड अच्छे से हम घी लगा लेंगे और इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स बाजरे की रोटी को बहुत अच्छे से सेका जाता है, करारा कुरकुरे टाइप का होना चाहिए। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये बाजरे की रोटी बनके तैयार है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ सरसों के साग के साथ और सैलेड के साथ।